वेलकम टू द अकाउंटेंसी क्लास। टुडे वी विल स्टार्ट आर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। आज हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने कैश बुक की थी। कैश बुक में भी हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कैश बुक की है, जिसमें हमने सिंगल कॉलम कैश बुक की है, डबल कॉलम कैश बुक की है। डबल कॉलम कैश बुक में हमने की थी कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम, ठीक है। तो ये जो हमारी कैश बुक थी, डबल कॉलम कैश बुक, ये हम इस तरह से कुछ बनाते थे। ये इसका फॉर्मेट है हमारी डबल कॉलम कैश बुक का। इस कैश बुक में हम शो करते हैं, ये दो साइड शो करते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड हमारी रिसिप्ट साइड होती है और जो हमारी क्रेडिट साइड होती है वो पेमेंट साइड होती है। यहाँ हम दो कॉलम शो करते हैं, कैश कॉलम और बैंक कॉलम, ठीक है। यहाँ पे हम अमाउंट लिखते हैं और यहाँ हम लिखते हैं कैश कॉलम और बैंक कॉलम जब हम पेमेंट करते हैं। तो मीन्स डेबिट साइड में हम दिखाते कि कब हमारा कैश और बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, किन ट्रांजेक्शन से, और किन ट्रांजेक्शन से हमारा कैश और बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। सो हमारे इस चैप्टर में कैश कॉलम का तो कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। तो हम कैश कॉलम को तो क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। तो मैं इसको क्रॉस कर रही हूँ क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है इसमें, ठीक है। तो हमने सिर्फ बैंक कॉलम को ही देखना है क्योंकि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है तो बैंक से ही रिलेटेड है, कैश कॉलम का कोई रोल नहीं है इसमें। तो डेबिट का मतलब क्या होता है कि जब भी हमारा जब बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है तब हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। और क्रेडिट का मतलब होता है कि जब भी आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज होता है हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, कि यहाँ हम डेट लिखते हैं कि किस किस दिन हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ और किस दिन हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ। जैसे हमने क्या की, गुड्स सेल्स की, ठीक है, सेल की हमने गुड्स, और गुड्स सेल करने पर हमें चेक मिला और चेक हमने क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो वो हम अमाउंट क्या कर देंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे, ठीक है। यहाँ लिख देंगे हम टू सेल्स, ठीक है, और हमें क्या मिला, जो चेक मिला वो हमने क्या कर दिया, यहाँ अमाउंट बैंक में प्लस कर दिया, कि हमारे अकॉर्डिंग क्या हो गया, हमने चेक बैंक में जमा कर दिया तो बैंक में हमारा अमाउंट इंक्रीज हो गया। इसी तरह से जब भी हम कोई पेमेंट करते हैं, ठीक है, जैसे हमने गुड्स परचेज की हैं, बाय परचेजेस, ठीक है, तो हमने जो भी क्या किया, हमने पेमेंट किया, चेक से पेमेंट किया है, तो हम क्या करेंगे, जब हमने चेक दिया परचेजेस करने के बदले तो हमने क्या कर दिया, अपना बैंक बैलेंस रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस करने का मतलब है कि हमने उसको चेक दे दिया, तो चेक देने का मतलब है हमारे अकाउंट से बैलेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो चेक के थ्रू क्या करेगा, हमारे अकाउंट से बैलेंस पैसे निकाल लेगा। तो इस तरह से हम यहाँ सारी क्या दिखाते हैं, रिसिप्ट दिखाते हैं, मतलब कहाँ कहाँ से हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है और कहाँ से हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद हम सभी इसी तरह से हम जो भी अमाउंट हमारा आया हमने प्लस कर लिया, ठीक है, जो भी हमारे आइटम जिनसे हमारा बैंक बैलेंस रिड्यूस हो रहा था हमने वो शो कर दिया यहाँ पर। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं कि हमारी टोटल रिसिप्ट्स कितनी हैं और टोटल पेमेंट्स कितनी हैं। मंथ के एंड में हम ये कैलकुलेट करते हैं। मान लिया आपकी जो टोटल पेमेंट आई हैं वो टोटल सॉरी रिसिप्ट आई हैं वो आई हैं 1,00,000 रुपीज़, और जो आपकी टोटल रिसिप्ट पेमेंट्स आई हैं सॉरी वो आई हैं 60,000 रुपीज़। टोटल आपकी रिसिप्ट हैं 1,00,000 रुपीज़ और आपकी जो पेमेंट्स हैं वो आई हैं 60,000। तो आपका बैलेंस कितना आएगा, बाय बैलेंस आप कितना शो करोगे इसमें, 1,00,000 माइनस 1,00,000 टोटल, उसमें से 60,000 का हमने पेमेंट कर दिया, तो आपका जो बैलेंस शो कर रहा है ये कितना शो कर रहा है, आपका 40,000 बैलेंस शो कर रहा है। इसका मतलब आपके बैंक अकाउंट में 40,000 रुपीज़ हैं आपके अकॉर्डिंग, आपकी कैश बुक के अकॉर्डिंग, जो आपने अपनी ट्रांजेक्शन्स दिखाई हैं कैश बुक में, बैंक कॉलम में। तो बैंक कॉलम क्या कह रहा है कि आपके कैश बुक के अकॉर्डिंग आपके बैंक अकाउंट में 40,000 रुपीज़ हैं। तब क्वेश्चन ये अराइज हुआ होता है कि एक्चुअल में क्या हमारे बैंक अकाउंट में 40,000 रुपीज़ होने चाहिए,
ये टैली करना चाहिए हमारा उससे, ये देखना है अब हमने। यस, ये हमारा टैली होना चाहिए, एक्चुअल में हमारे 40,000 रुपीज़ होनी चाहिए बैंक में। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बैंक अकाउंट में 40,000 रुपीज़ हैं या नहीं है, कम है ज़्यादा है, कैसे पता चलेगा? तो जब भी कोई फर्म, कोई बिजनेस बैंक में अपना अकाउंट ओपन करता है तो बैंक के लिए वो क्या है? कस्टमर है। तो हर कस्टमर के लिए बैंक क्या करता है? एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है जिसको हम पासबुक कहते हैं। और वो पासबुक किसको देता है? कस्टमर को दे देता है, जिसमें सारा डिटेल होती है कि कब कब आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, कब डिक्रीज हुआ। तो ये हम थोड़ा सा रफली मैंने एक पासबुक का फॉर्मेट बनाया है, ठीक है? तो जिससे हमें पता चलेगा कि क्या क्या हमारी एंट्रीज हुई हैं, बैंक ने क्या क्या एंट्रीज की हैं। तो हमने क्या किया, अपनी पासबुक कंप्लीट करवाई बैंक से, ताकि हमें पता चले कि हमारे पासबुक में कितना बैलेंस शो कर रहा है बैंक। अब पासबुक कैसे, हम पासबुक में एंट्री कैसे करता है बैंक? इसमें भी क्रेडिट और डेबिट दो कॉलम होते हैं, लेकिन यहाँ जो क्रेडिट होता है उसका मतलब प्लस होता है और जो डेबिट होता है उसका मतलब माइनस होता है। ऐसा क्यों? कैश बुक में तो डेबिट प्लस होता है और क्रेडिट माइनस होता है, और पासबुक में इसका अपोजिट होता है, क्रेडिट प्लस और डेबिट माइनस। ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए होता है कि जब आप क्या करते हो, अपनी कैश बुक में एंट्री करते हो कि मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, तो आप डेबिट इसलिए करते हो क्योंकि आपकी एसेट है ये, आपकी एसेट इंक्रीज हो रही है। और जब आप माइनस करते हो तो आप क्रेडिट कर देते हो, उसका मतलब क्या है कि आपकी जो एसेट है वो डिक्रीज हो रही है, इसलिए आप उसको क्रेडिट कर देते हो। लेकिन जो बैंक है उसके लिए, जो कस्टमर का जो अकाउंट है बैंक के अंदर, उसमें जो बैलेंस है, पैसे हैं, वो बैंक के लिए एसेट नहीं है। बिजनेस का, बिजनेस की तो वो एसेट है लेकिन बैंक के लिए तो वो एसेट नहीं है। बैंक के लिए क्या है वो? बैंक के लिए वो लायबिलिटी है, क्योंकि वो कस्टमर का अमाउंट है, कस्टमर का पैसा है जो बैंक ने कस्टमर को देना है, ठीक है? तो इसीलिए जो एंट्री कैश बुक में डेबिट में करता है बिजनेस, वो पासबुक क्या करेगा, पासबुक में वो बैंक क्या करेगा, क्रेडिट में शो करेगा। और जो पेमेंट हम क्रेडिट में दिखाते हैं कैश बुक में, वो पासबुक में डेबिट के नाम से शो की गई होंगी। तो पासबुक में क्रेडिट का मतलब है प्लस, मैंने इसलिए यहाँ साइन लगाया है, और डेबिट का मतलब है माइनस। तो इसी तरह से पासबुक ने भी शो किया कि कब कब आपका बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, किस किस अमाउंट से और किस किस अमाउंट से आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है? अब आपकी कैश बुक कह रही है कि 40,000 होने चाहिए बैंक में आपके, लेकिन आपकी पासबुक के अकॉर्डिंग क्या है, आपका जो बैलेंस शो कर रहा है वो 40,000 नहीं शो कर रहा, वो शो कर रहा है 30,000 शो कर रहा है। तो जब आप अपनी पासबुक देखेंगे तो आपको शॉक लगेगा कि भाई मेरी कैश बुक तो शो कर रही है 40,000 बैलेंस होना चाहिए बैंक में, लेकिन जो पासबुक है वो 30,000 शो कर रही है, ऐसे कैसे 10,000 का डिफरेंस कैसे आ गया? हमें टेंशन हो जाती है, है ना, कि 10,000 रुपीज़ का डिफरेंस कैसे आ रहा है, 10,000 कैसे कम हो गए हमारे अकाउंट से। तो अब आप क्या करोगे सिचुएशन में, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? क्या ज़्यादा जाके सीधा बैंक में कंप्लेंट करेंगे कि मेरा तो बैलेंस 40,000 दिखा रहा है कैश बुक और आपकी पासबुक 30,000 दिखा रही है, 10,000 कम क्यों दिखा रही है? नहीं, पहले हम कंप्लेंट बाद में करेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि ये डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, क्यों आए डिफरेंसेस। हम टैली करेंगे एंट्रीज़ को कि जो एंट्रीज हमने कैश बुक में की हैं, जो पासबुक में की है, वो आपस में टैली हो रही है नहीं हो रही, मैच हो रही है नहीं हो रही। हो सकता है कि जब आपने कैश बुक बनाई या आपके अकाउंटेंट ने जो कैश बुक बनाई उसमें कुछ, उसने कुछ मिस्टेक कर दी हो, ठीक है, टोटल में मिस्टेक कर दी हो, अमाउंट लिखने में मिस्टेक कर दी हो, या कोई रॉन्ग एंट्री कर दी हो, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से बैंक से भी हो सकती है कोई मिस्टेक। तो आप बैंक में तो कंप्लेंट तभी करेंगे ना जब आपको ये पता होगा कि डिफरेंस क्यों आ रहा है, किसकी मिस्टेक की वजह से आ रहा है डिफरेंस। तो पहले हम वो डिफरेंसेस देखेंगे कि डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, टैली करेंगे एक एक एंट्री को। कैसे टैली करेंगे? टैली करने के लिए हम कैसे टैली करते हैं कि जो एंट्री हमने कैश बुक में बैंक कॉलम में लिखी है डेबिट में,
वो कहाँ होनी चाहिए, पासबुक में क्रेडिट में होनी चाहिए, और जो हमने कैशबुक में लिखी हैं क्रेडिट में वो होनी चाहिए बैंक पासबुक में डेबिट में। और जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, हमने देखा कि कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जो कैशबुक में हुई हुई या पासबुक में नहीं हुई, या पासबुक में हुई हुई या कैशबुक में नहीं हुई, तो आप उन्हें क्या करोगे, एक प्लेस पर लिख लोगे, उसकी एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे, ठीक है, ताकि तभी हम कुछ कर पाएंगे, कुछ सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, कि तभी हमें पता चलेगा क्यों हमारे डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो वो प्लेस, वो स्टेटमेंट जहां पर हम ये डिफरेंसेस लिखते हैं कि किस वजह से हमारा बैलेंस टैली नहीं हो रहा, जो कैशबुक शो कर रही है और जो पासबुक शो कर रही है, उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट हमने क्यों बनाई, ये हमने स्टेटमेंट हमने इसलिए बनाई ताकि कैशबुक का जो बैलेंस शो कर रहा है, कैशबुक जो बैलेंस शो कर रही है बैंक कॉलम में, और जो पासबुक शो कर रहा है आपका बैंक बैलेंस, वो टैली हो जाए, वो इक्वल आना चाहिए, इसलिए आप ये स्टेटमेंट बनाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या होती है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। देखिए, इट इज़ अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड मेनली टू रिकंसाइल द डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस शोन बाय द कैश बुक एंड द बैंक पासबुक। सबसे पहली बात तो ये एक स्टेटमेंट है, इसका मेन पर्पस क्या है, रिकंसाइल करना। रिकंसाइल का मतलब होता है समाधान करना या सुधारना। अब हमने क्या रिकंसाइल करना है, जो दोनों के बैलेंस में डिफरेंसेस आ रहे हैं। डिफरेंस किस में आ रहा है, बैंक बैलेंस जो किसने शो किया है, कैश बुक ने, और जो पासबुक ने शो किया है। तो ऐसी स्टेटमेंट जो हम इसलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि हम कैशबुक और पासबुक जो बैंक बैलेंस शो कर रही है उसको रिकंसाइल कर सकें, डिफरेंस को रिकंसाइल कर सकें, उस स्टेटमेंट को हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं। सो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के लिए सबसे फर्स्ट थिंग जो है वो हमें ये है कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये डिफरेंसेस क्यों आए, क्या रीज़न थे, कौन सी एंट्रीज थी जो डिफरेंसेस क्रिएट कर रही हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंसेस किस वजह से क्रिएट होते हैं, बैलेंस क्यों टैली नहीं होते, डिफरेंसेस के क्या रीज़न हैं। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस इन द कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस। तो कैशबुक जो बैंक बैलेंस शो कर रही है और पासबुक जो बैंक बैलेंस शो कर रही है, उसमें डिफरेंस के क्या रीज़न हैं, क्यों ये डिफरेंस क्रिएट हो रहे हैं, क्यों कैशबुक हमारे ज़्यादा बैंक बैलेंस शो कर रही है, पासबुक कम बैलेंस शो कर रही है, या पासबुक ज़्यादा बैलेंस शो कर रही है बैंक का और कैशबुक हमारा कम बैलेंस शो कर रही है, इसके क्या रीज़न्स हैं, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।